भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश जी प्रकट हुए थे, अर्थात इसी दिन माता पार्वती के घर गणेश जी का आगमन हुआ था। इसी खुशी में पूरे देश में गणेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे हुआ था भगवान गणेश जी का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाई हुई थी। जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी का उपटन हटाया तो उससे छोटा सा एक पुतला बना दिया और अपने तपोबल से उस पुतले में प्राण डाल दिया। इस तरह बाल गणेश का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात माता पार्वती स्नान करने चली गई और बाल गणेश को द्वार पर बैठा दिया। जाने से पहले माता पार्वती ने बाल गणेश से कहा कि किसी को अंदर नहीं आने देना। इसी बीच भगवान शिव वहां पहुंच गए और अंदर जाने लगे, लेकिन बाल गणेश ने उनका रास्ता रोक दिया और अंदर जाने से मना कर दिया। भगवान शिव बार बार बाल गणेश से अंदर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वे जाने नहीं दिए। तब भगवान शिव क्रोधित हो गए और त्रिशूल से बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी बीच माता पार्वती स्नान करके बाहर निकली और द्वार पर पहुंच गई। बाल गणेश की हालत देखकर रोने लगी। रोते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि ये आपने क्या कर दिया? आपने अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनते ही शिवजी स्तब्ध हो गए। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को गणेश जी के जन्म की बात बताई। तब भगवान शिव ने एक हाथी का सिर बाल गणेश के धड़ पर लगाकर उसमें प्राण डाल दिया। इस तरह बाल गणेश जी दोबारा जीवित हुए और गजानन कहलाए। यह थी गणेश जी की जन्म की कहानी। क्या आप जानते हैं श्री गणेश जी को गणपति क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि बालक को सभी देवताओं ने कई वरदान दिए। सभी गणों का स्वामी होने के कारण भगवान गणेश को गणपति कहा जाता है। गज का सिर होने के कारण इन्हें गजानन भी कहते हैं। तो यह थी आज की हमारी गणेश जी की कहानी। गणपति बाप्पा मोरिया।